हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। लंका के शूरवीर सेनानियों, ये राक्षस जाति के इतिहास का वक्त क्षण है जब या तो राक्षस जाति मिट जाएगी या तीनों लोकों में उसकी जय जयकार होगी। मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि आज संग्राम में देवता, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। आज मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा कि जब तक की पृथ्वी रहेगी, इस चराचर जगत के समस्त जीव और देवता भी उसकी चर्चा करेंगे। के पास ऐसा रथ कहां से आया? यह अवश्य देवताओं का षड्यंत्र होगा। हाँ महाराज, इस रथ को मैं भलीभांति जानता हूँ। यह स्वयं देवराज इंद्र का रथ है। इंद्र का यह साहस कि हमारे विमुख होकर वह राम की सहायता करता है। इंद्र, राम से निपटने के पश्चात तुम्हारे साथ भी लेखा चुकाना पड़ेगा। नए नए रथ पर चढ़कर इतना क्यों इतरा रहे हो? रावण के सामने आए हो तो शीश झुका कर आओ। तो इससे पहले यदि शीश झुका कर आ जाता तो कदापि तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु अब तो तेरा शीश काटना ही अनिवार्य हो गया है। अरे तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी है। तुमने खर दूषण और विराट को मारा, बेचारे वाली का छुपकर वध किया, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। आज मुझे उन सबका प्रतिशोध लेना है। यदि तुम रणभूमि छोड़कर भाग न गए तो आज मैं उन सबका बैर निकालूंगा। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है। रावण से नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तो किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड। Thank you.
में युद्ध रावण राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम 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 महायुद्धम। एक धर्म रथ पर बैठा, एक पाप रथ पर बैठा, दो महारथी दो महाबली संग्राम करते हैं। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। थी पापी करनी का फल पाएगा, भर जाता है जब पापों का घड़ा, पापी को दिखे बस काल खड़ा, पापी को दिखे बस काल खड़ा। देखो रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है, अतः सावधान हो जाओ और आगे बढ़ो। जिस प्रकार हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार मैं आज शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूँ। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। अब मैं एकाग्र चित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ।
निष्फल हो रहे हैं। नहीं देवेंद्र, रघुवीर के बाण निष्फल नहीं हो रहे, ये तो रावण की आसुरिक माया है जिससे उसके शीश कट जाते हैं और जुड़कर पुनः सजीव उठते हैं। इस प्रकार रावण का संहार कैसे होगा? प्रभु हृदय को लक्ष्य करके बाण क्यों नहीं मारते? अवश्य ही हृदय में बाण लगते ही उसका संहार होगा। हे देवराज इंद्र, ये एक गूढ़ रहस्य है। श्री राम रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि रावण के हृदय में निरंतर सीता का वास है। सीता के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम हर क्षण विराजमान रहते हैं, और प्रभु के उदर में तो 14 भुवन 7 खंड सृष्टि बसी है। इस अवस्था में यदि बाण मारेंगे तो रावण के साथ सीता, उसके साथ राम और राम के साथ समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो फिर रावण का अंत कभी नहीं होगा? होगा, बारंबार शीश पर प्रहार होगा। इस प्रकार सिरों के बार बार काटे जाने से वो व्याकुल हो जाएगा। इस प्रकार की व्याकुल अवस्था में उसके हृदय से सीता का ध्यान टूट जाएगा। यदि पल भर के लिए भी उसके अंतरपट से सीता की छवि हट जाएगी, उसी क्षण अंतर्यामी राम रावण के हृदय में बाण मारकर उसका अंत कर देंगे। ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। विभीषण, जब तक तू जीवित रहेगा राक्षस जाति का विनाश होते ही रहेगा। प्रभु,
प्रभु, इस राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने जो इसके विनाश का समय बताया था, अब वो आ पहुंचा है प्रभु। आपकी जय जयकार कर रहे हैं कि रावण पर राम की विजय हुई। लक्ष्मण, यह विजय केवल राम की नहीं, तुम सबकी है। तुम, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव, वीर हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील और ये सारी वानर सेना, इन सब की सहायता से ही राम ये युद्ध जीत सका। ये जीत तुम सबकी है। प्रभु, अपने सेवकों की बड़ाई करना आपकी महानता है, अन्यथा तीनों लोकों में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो युद्ध में आपके सामने ठहर सके। रावण देवताओं से भी परास्त नहीं हो सकता था। आज आपने वो सिद्ध कर दिया जो सब कहते हैं कि आप कोई साधारण मानव नहीं है। प्रभु, आपको शत शत प्रणाम। धन्य है आप। का मिटा गया।
बिंदु सिंधु में तेरे।